हेलो बच्चों, यह कॉन्सेप्ट वीडियो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर आधारित है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ ओनली प्योर एलिमेंट और वन प्योर कंपाउंड। ये इंट्रिंसिक इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इंटरनली जनरेटेड है, कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं, और ये प्योरली सिंगल एलिमेंट या फिर एक सिंगल प्योर कंपाउंड के बने होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि दो कंपाउंड का मिक्सचर हो गया, मतलब थ्रू आउट मटेरियल में सिंगल कंपाउंड ही होगा, थ्रू आउट मटेरियल में सिंगल एलिमेंट का ही वो बना हुआ होगा। टू वाइडली यूज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैंने पहले ही बताया था आपको, सिलिकॉन के एनर्जी गैप की वैल्यू होती 1.1 EV और जर्मेनियम की 0.74 EV। यानी ये दो बहुत काम के और वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। अगर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों ही एक ही ग्रुप में आते हैं, और इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आपका KLM एम शेल है, जो जिसमें आपका S और P ऑर्बिटल है, इनमें टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और जर्मेनियम की बात करें तो अगेन इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी S और P ऑर्बिटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि एट रूम टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज रिलेटिवली लो बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू चार्ज कैरियर्स अवेलेबल। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कैसे होते हैं। बट ये जानने के लिए सबसे पहले आपको इनकी थोड़ी बॉन्डिंग का नेचर समझना होगा कि किस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब मुझे कैसे पता कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट प्रोबेबल जो टेंडेंसी होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ही होती है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो उनको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपना ऑक्टेट फिनिश करना होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों उन्हें 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन उनको मिलेंगे 4 नियर बाय एटम्स के साथ सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने से। यानी कि अगर मैं इनकी ज्योमेट्री देखूं तो एक सिलिकॉन एटम जो है वो अपने आसपास 4 सिलिकॉन एटम्स को और घेर के रखेगा ताकि उसका बीच वाले सिलिकॉन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे इनके 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए और इस सिलिकॉन एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं रिकॉल कराना चाहूँगा केमिस्ट्री से। सॉलिड स्टेट में कंसेप्ट होता है बच्चों कि जो सॉलिड्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकैलिटी। दे आइदर एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और दे एग्जिस्ट एज एमॉर्फस। तो ये जो क्रिस्टल होता है बच्चों, क्रिस्टल मिलता है हमें एटम्स की ज्योमेट्री से कि किस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एटम्स खुद को अरेंज करके रखे हैं, एटम्स के बीच की दूरी कितनी है, एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, उनके बीच में क्या बॉन्ड एंगल बन रहा है, सो एंड सो फिजिकल फैक्टर्स। तो अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करूँ तो जैसा कि हमने देखा कि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 पड़ोसी एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि एक सिलिकॉन एटम एटलीस्ट 4 एटम से अपने नेबरहुड में कनेक्टेड होगा। तो इनके क्रिस्टल में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो 4 नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स से जुड़कर बनेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरीके से जर्मेनियम में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता है। चूंकि हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सो एवरी एटम हैज टू बी कनेक्टेड विथ द 4 नियर बाई एडजेसेंट एटम्स। तो देखिए किस तरीके से इनमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के प्रयास के चलते इन्होंने किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। हर जर्मेनियम एटम अगले 4 एडजेसेंट जर्मेनियम एटम से कनेक्टेड है, इस तरीके से इनका क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। तो बात करते हैं, हमने दो बैंड्स बना रखे, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, जिनके बीच में एनर्जी गैप है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बच्चों बेसिक तरीका, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है तो हमें एनर्जी देनी होगी।
और ये एनर्जी हम यूज करेंगे दो जर्मेनियम एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर, कुछ इस प्रकार। हमने हीट एनर्जी दी और हमने एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया। तो देखिए, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड में हमारे बैंड डायग्राम्स में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, और लेफ्ट साइड में जो हमारा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करते ही अपनी प्लेस पर एक होल जनरेट करता है। क्योंकि ओवरऑल तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर तो कहीं भाग नहीं रहे हैं, वो कंडक्ट ही कर रहे हैं, तो विद इन दी मटेरियल ही हैं। ओवरऑल आपका मटेरियल न्यूट्रल होगा, बट बॉन्ड के जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर गया है उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए हम वहाँ पे एक होल मान लेंगे। तो एक और होल जनरेट करने के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, आपका बॉन्ड टूटा, वहाँ पे होल बना, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुँच चुका है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो अगर आपने नोटिस ना किया, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। अब अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही एक पोजीशन से दूसरे होल को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा एनर्जी अगर वो ले, बट दैट एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्रॉस दी एनर्जी गैप, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाकर होल को फिल कर सकता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले होल को जाके फिल करता है, साथ ही साथ वैलेंस बैंड में ये एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है। ओवरऑल कंडक्शन और वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, इट्स जस्ट दैट कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पोजीशन में होल को फिल करने गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन तो हो गया, और इस माइग्रेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि होल टॉप मोस्ट पोजीशन को छोड़कर नीचे वाली पोजीशन पर आ गया, यानी कि माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दी वैलेंस बैंड, इट कैन इनेबल और इट इनेबल्स दी मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। तो ये रहे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कोवलेंट बॉन्ड बना उनके कारण, उनके शेयरिंग के कारण। ये ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि हमने हीट एनर्जी दे के एक इलेक्ट्रॉन को इस कोवलेंट बॉन्ड से नॉकआउट किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हमने कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक कराया उन्हें एनर्जी देकर, दे आर एक्चुअली प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बॉन्ड में एक होल जनरेट हुआ और वैलेंस बैंड में एक रीअरेंजमेंट। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि वैलेंस बैंड से जितने भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रमोट होते हैं, या बॉन्डिंग के टर्म्स में समझें तो कोवलेंट बॉन्ड से जब भी एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है वहाँ पे एक होल जनरेट हो जाता है, यानी कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ तोड़ के बाहर भागते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतने ही होल्स जनरेट होंगे। सो वी कैन से दैट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स द नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन होल हमने जनरेट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स को भगाकर, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इनके करस्पॉन्डिंग ये कंडक्शन बैंड से या बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन जो अब कंडक्शन बैंड में है ये बाहर घूम रहा है, इस ब्रोकन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर घूम रहा है, और इस होल के करस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स। तो बात वही हमारी सिद्ध होती है कि जितने आपके होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होंगे, या यूँ कहें कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने बॉन्ड तोड़ तोड़ कर बाहर निकाला है उतनी ही संख्या में होल्स जनरेट होंगे। आप देख सकते हैं ये जितनी होल्स की संख्या है उतनी ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या है। सो अगर मैं बोलूं कि Ne इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैथमेटिकली अगर इसे पुट करें तो Np शुड बी द कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड Ne शुड बी इक्वल टू Np, यानी कि नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ
होल्स. सो मैथमेटिकली आई कैन से दैट द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर्स इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स और कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे एन आई जो है बच्चों सिंबल इक्वेशन में आप देखें बॉक्स में लिखा है, एन ई इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू एन आई, ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का सिंबल है. तो द क्वांटिटी एन आई इज रिफर्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन. तो जर्मेनियम क्रिस्टल में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के जनरेशन के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कंडक्शन होता है, किस तरीके से करंट फ्लो एंश्योर होता है. अगर हम इस सैंपल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें तीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होंगे. तो जैसे हमने सर्किट क्लोज किया ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में मूव करने लगेंगे. बट आप सोचिए कि ये जो होल्स हमने जनरेट कर रखे हैं इनका क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि राइट साइड से नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड में नेगेटिव प्लेट है वो भी पॉजिटिव होल्स को अट्रैक्ट कर रही होगी. तो उससे क्या होगा बच्चों, विद इन दी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा. और जब भी इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है विद इन दी वैलेंस बैंड, हमें मालूम है कि होल्स का माइग्रेशन होता है. किस तरीके से, देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर होल की बात करूं तो ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जाके इस होल में फिल हो गया, तो ये होल आपका इस एंड पे जाकर आगे बढ़ गया. सिमिलरली अगर मैं दूसरे होल की बात करता हूँ तो ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन वापस इस होल में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि होल जो है राइट साइड को ट्रेवल कर गया. अगेन मैं इस टॉप मोस्ट होल की बात करूं तो फिर से पड़ोसी इलेक्ट्रॉन आएगा और अपने होल को माइग्रेट कर देगा अपनी लोकेशन पे. तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ बैटरी लगाने पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बल्कि आपके होल्स भी माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे. इस वजह से सारे होल्स भी माइग्रेट होंगे. और अगर आप देखें कि किस दिशा में माइग्रेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये माइग्रेट कर रहे हैं. तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होगी आपके सेमीकंडक्टर में, द करंट विच विल फ्लो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल करंट. यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी है एंड इट इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग द मोबिलिटी ऑफ होल्स. तो अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो दोनों के ही मूवमेंट के कारण जो करंट जनरेट होगी वो दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण होगी. हम एक ब्रॉड सिंप्लीफिकेशन ले तो एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये बोलेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके लेफ्ट साइड भाग रहे हैं और सारे होल्स जो हैं आपके राइट साइड भाग रहे हैं. सो एज ए रिजल्ट ऑफ देयर माइग्रेशन जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है हम करंट की डायरेक्शन वही मानते हैं, और नेगेटिव चार्ज का जो माइग्रेशन होता है उसके अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं. तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो वो आपको एक क्लॉकवाइज करंट इस सर्किट में जनरेट करके दे रहा है. यानी कि होल्स के कारण जो करंट जनरेट हो रही है वो भी राइट साइड है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो करंट जनरेट हो रही है वो भी राइट साइड है. सर्किट में ये क्लॉकवाइज अपीयर हो रही है. तो मैथमेटिकली अगर मुझे पुट करना हो तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ द नेट करंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन करंट. सो आई इज इक्वल टू आई इज द नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एज वेल एज होल करंट. सो एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, देयरफॉर नो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग दीज सेमीकंडक्टर्स. तो बच्चों अब इसमें क्या फिर वेरिएशंस किया जाए, क्या इसमें हम चेंज करें जिससे हम इन सेमीकंडक्टर्स को यूजेबल बना लें, हमारे लिए अगला चैलेंज वही होगा.